Hi guys, what's up and welcome back to this YouTube channel. You are watching Fatahi's Reaction and this is me, Zainab Fatahi. And today I am going to be reacting onto a song which is from the movie Fighter. मैंने Fighter के एक song पे already reaction कर दिया है जिसका नाम है शेर खुल गए. आपको जो है वो channel पे मिल जाएगा. मैं I button में भी pin कर दूंगी हमेशा की तरह. And आपको देखना है and then you guys have to watch this video after watching that video, okay? थोड़ा मुश्किल है पर समझ जाओगे. एंड इस सॉन्ग का नेम है इश्क जैसा कुछ. मतलब जो है लिरिसिस्ट खुद कंफ्यूज है कि इश्क जैसा कुछ है पर पता नहीं उन्होंने आगे खाली छोड़ दिया. खाली भी नहीं छोड़ा है, उन्होंने कुछ बताया नहीं है इश्क जैसा क्या है. सो दिस इज़ आई थिंक समथिंग विच इज़ कॉन्फिडेंशियल जो कि हमें इस वीडियो के अंदर जाके जानना पड़ेगा. एक्चुअली इस सॉन्ग को सुन के जानना पड़ेगा. सो या विच इज़ अ लिटिल टेक्निकल बट या वी हैव टू फाइंड टुगेदर. सो अभी क्या करना है, हमने डायरेक्ट वीडियो के अंदर घुस जाना है और इसको देखना है. बेसिकली सॉन्ग यार मैं बार बार जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ. सॉन्ग है, वीडियो नहीं है. एंड आई डोंट नो हु इज़ द सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग. लेट्स जस्ट चेक क्योंकि यार पता नहीं. जस्ट दैट तुम लोग भी सोचते हो यार कैसी ब्लंट औरत हूँ, देखने बैठ जाती हूँ एंड आई डोंट हैव एनी आइडिया कि सिंगर कौन है. वेल आई एम नॉट जस्ट यू नो मैं इतना मूवीज़ नहीं देखती हूँ आजकल. जस्ट दैट द केस. सिंगर्स हैं विशाल एंड शेखर, शिल्पा राव एंड मेलोडी. सो विशाल के बारे में जानती हूँ, शिल्पा राव के बारे में जानती हूँ. एनीवेज ये सॉन्ग सुनते हैं. एंड इस सॉन्ग में देयर वी हैव ऋतिक रोशन द ग्रीक गॉड, एज यू गाइस कॉल हिम द ग्रीक गॉड, एंड दीपिका पादुकोण द वेरी हॉट एंड द वेरी गॉर्जियस लेडी. सो इस सॉन्ग को सुनते हैं, इसकी वाइब चेक करने की कोशिश करते हैं एंड देन वी आर गोना बी हैविंग अ लिटिल चिट चैट और फिर उसको थोड़ा रेट शेट देंगे. मेरी रेटिंग, ठीक है, ये मत बोलना कि तुम्हारी रेटिंग की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है. एनीवेज अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने अब तक जहमत नहीं की है इसको सब्सक्राइब करने की, सो डू दैट और डू दी ऑनर्स. सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एंड शो योर लव बाय फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज zainab_fatahi. आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मुझे जाके फॉलो करो. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू इट एंड एंजॉय दिस सॉन्ग विद मी. वाओ यार इनका वो लुक ना बैंग बैंग जैसा है, लाइक हिज बॉडी. वाओ जब साथ होते हैं जागे सारी रात होते यार, ये बिल्कुल बैंग बैंग वाली वाइब दे रहा है. बैंग बैंग में बीच में ऐसा सीन आया था कैट के साथ. ये सब वेकेशंस पे जाते हैं यार, मालदीव्स, थाईलैंड. They're not like us. Dululu में नहीं रहते. पीछे वाली टैलेंटेड गर्ल्स को देख रहे romantic vibes. बट रोमांटिक सिद्धार्थ आनंद फिल्म. सो लेडीज एंड नॉट एक्चुअली लेडीज बिकॉज इस चैनल पे लेडीज वेडीज नहीं आती. पता नहीं क्यों यार, पता नहीं क्या है, लेडीज क्यों नहीं आती यार. लेडीज को लाओ अपनी घर की बहनों को, माओ को, सबको दिखाओ यार. ये गलत बात है यार, आप लोग अकेले देख लेते हो, अपनी माँ बहन को भी दिखाया करो.
सो गाइज, मुझे सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है. ट्रूली एंड ऑनेस्टली काफ़ी ऐसे बहुत आई थिंक रोमांटिक वाइब्स हैं, और बैंग बैंग की बहुत वो आ रही है. यू नो इट्स लाइक बैंग बैंग की याद आ रही है. आई डोंट नो वाई, व्हाट इज़ द रीज़न. ऋतिक रोशन है, मे बी दैट्स द रीज़न, बट इट्स अ गुड सॉन्ग. पूरे टाइम यू नो अच्छा लगा मुझे सॉन्ग सुन के. एंड पर मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे दीपिका का वॉर्डरोब नहीं अच्छा लगा. शी वॉज इट वॉज स्पीकिंग अ लॉट, दीपिका का वॉर्डरोब. पर एट द सेम टाइम दे वॉज समथिंग मिसिंग. आई थिंक मे बी उनके मुझे बालों का कलर इतना ज़्यादा एडमायर नहीं किया, और उनके जो ड्रेस था एंड वॉर्ड्रोब जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा डिस्को टाइप है. एंड यू नो दे आर लाइक ऑन वेकेशंस एंड समथिंग लाइक दैट. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि वेकेशंस पे इस तरह से सॉन्ग्स कुछ ऐसे होते हैं जो वेकेशंस वगैरह की जो है वाइब थ्रो कर रहे होते हैं. जैसे घुंगरू सॉन्ग है, और वो वाला भी दीपिका का ही है पठान मूवी में. आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट सॉन्ग, बट या सो मैंने रिएक्शन भी किया हुआ है. सो वैसे ही बहुत ज़्यादा वाइब थ्रो कर रहा है, एंड लाइक काफ़ी इस तरह से है. सो या बाकी आई थिंक मुझे सॉन्ग का लाइक था का कैची भी था, बट एट द सेम टाइम देर वॉज समथिंग मिसिंग. कोरियोग्राफी अच्छी है, नो डाउट इट्स अ गुड कोरियोग्राफी, पर मेरे लिए आई थिंक एक एक सॉन्ग को ना थोड़ा मेरे लिए वाइब वाला होना चाहिए. आई जस्ट से दैट कि ना मुझे जब सॉन्ग में वाइब होती है ना तो मुझे वो सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं. सो ये सारी वाइब की गेम है यार. सो इट जस्ट ऑल अबाउट वाइब. और बाकी या लाइक मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे सॉन्ग ऐसा नहीं लगा कि इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड या कोई बहुत ही यू नो बहुत ही एक अलग सा सॉन्ग है. पर हाँ इट्स अ इट्स इट्स एन ओके काइंड ऑफ सॉन्ग, और ओके सॉन्ग है मेरे लिए. मैं अगर इसको रेट करूँगी सो आई एम गोना बी गिविंग दिस सॉन्ग द रेटिंग ऑफ 6.5. मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, इट जस्ट दैट. बाकी सॉन्ग अच्छा है, वाइब भी कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है. आई एम जस्ट स्पीकिंग ऑफ माई सेल्फ कि मुझे क्या लग रहा है, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ. एंड या बाकी इस पर आई थिंक इतना ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है भी नहीं. बाकी वार्डरोब के बारे में मैंने बात की, और हाँ सिंगर्स के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि यार आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग शिल्पा से कुछ और. मुझे लगा था शिल्पा की आवाज़ में देर इज़ अ मैजिक, सो मैं वही एक्सपेक्ट कर रही थी. एंड आई वॉज़ नॉट एबल टू फाइंड दैट मैजिक इन हर वॉइस. बट ऑल टुगेदर सॉन्ग को मैं 6.5 ही रेट करना चाहूँगी. और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बैश मत करना, एंड ट्राई टू बी ऑप्टिमिस्टिक. आप लोग जो पैसिमिस्टिक बन जाते हो ना, हर चीज़ में नेगेटिविटी तलाश करते हो, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. ओके एनीवेज़, आपकी मर्ज़ी है, कमेंट बॉक्स आपका घर है. आपको कोई चीज़ गलत लगती है आप लोग उसको करेक्ट किया करो, बिकॉज आई रियली लव यू नो आप लोग जिस तरह से बात करते हो, और आपको जो एक पर्सपेक्टिव है मेरे बारे में और इस चैनल के बारे में वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ के आपका फीडबैक. और आप लोग जो रिक्वेस्ट करते हो मुझे वो भी बहुत अच्छी लगती है, और मैं आप लोग की रिक्वेस्ट पूरी करने की भी हमेशा कोशिश करती हूँ. नाउ आई एम बी साइनिंग आउट. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज zainab_fatahi. नाउ आई एम बी एंडिंग दिस वीडियो विद अ वेरी वेरी एंड वेरी पॉजिटिव मैसेज, विच इज एज यूजुअल, डोंट फॉरगेट टू स्प्रेड पीस, लव एंड पॉजिटिविटी. लव यू ऑल, बाय.